राजधानी दिल्ली में लगातार चार दिनों से लोग घने कोहरे की मार झेल रहे हैं और इसकी वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खासकर यातायात पर इसका काफी बुरा असर पड़ा है और मौसम विभाग की माने तो आने वाले कुछ दिनों तक घने कोहरे का जो असर है वो ऐसे ही बने रहने वाला है। और इसको लेकर मौसम विभाग ने दिल्ली में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और 26 दिसंबर तक येलो अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से। वही हवा जो है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, जिसकी वजह से दिल्ली एनसीआर में काफी ठंड बढ़ गई है, कपकपी बढ़ गई है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा की अगर हम बात कर लें तो वहां पर स्कूलों के समय में जो है वो बदलाव किया गया है और बस सेवाओं जो रातों में ठप कर दी गई है घने कोहरे को देखते हुए, क्योंकि रोड एक्सीडेंट्स भी बहुत ही ज्यादा हो रहे हैं। नोएडा और ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर रफ्तार भी जो है वो कम कर दी गई है वाहनों की रफ्तार। और इसके साथ ही दिल्ली में विंटर वैकेशन का ऐलान कर दिया गया है। दिल्ली के जितने भी स्कूल हैं, दिल्ली सरकार ने विंटर वैकेशन का ऐलान किया है। तो आपको दिल्ली के कुछ इलाकों की तस्वीरें दिखा रहे हैं कि घने कोहरे की चादर कैसे वहां पर फैली हुई है, जिसमें गीता कॉलोनी और आनंद विहार की हम बात कर ले तो वहां पर घने कोहरे की चादर है, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की वजह से कपकपी भी काफी ज्यादा बढ़ गई है, लोगों को काफी परेशानी हो रही है। इसके साथ ही आपको अक्षरधाम से हमारी सहयोगी रितु रोहिणी की एक वेदर रिपोर्ट दिखाते हैं कि आखिर दिल्ली एनसीआर में वेदर का क्या अपडेट है। राजधानी दिल्ली सहित पूरे उत्तर भारत में शीतलहर का कहर जारी है। इस वक्त हम दिल्ली में मौजूद हैं और सीधे तौर पर देखिए NH24 पर आपको सबसे पहले तस्वीरें दिखाएं किस तरीके से पूरा जो अक्षरधाम मंदिर है वो धुंध में, कोहरे की चादर में लिपट गया है, समा गया है। और हम विजिबिलिटी की बात करें तो इस वक्त राजधानी दिल्ली में सुबह के 7 बज रहे हैं और 150 मीटर विजिबिलिटी है, उसके आगे क्लियरली कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा। धुंध जो है वो बिल्कुल छाया हुआ है, कोहरा जो है वो आसमान में छाया हुआ है। सड़कों पर गाड़ियों की संख्या काफ़ी कम हो गई है। और हम बात करें तापमान की तो राजधानी दिल्ली में इस वक्त जो न्यूनतम तापमान है वो 8 डिग्री सेल्सियस है, वहीं अधिकतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस रह गया। और साफ तौर पर आप देखिए किस तरीके से जो हवा चल रही है, तकरीबन 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हवा जो है वो कपकपी बढ़ा रही है, लोगों को काफ़ी मुश्किलें हो रही हैं। जो तमाम ऑफिसेज और मॉर्निंग वॉक पर निकलने वाले लोग हैं उनकी संख्या जो है वो काफ़ी कम दिखाई पड़ रही है सड़कों पर। वही डॉक्टरों की सलाह है कि जो भी लोग हैं वो अगर सड़कों पर निकल रहे हैं तो तमाम तरीके के एहतियात बरत कर निकले, गर्म कपड़े पहन कर निकले, क्योंकि अगले कुछ दिनों तक हालात जस के तस बने रहने वाले हैं। मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी कर रखा है, कई इलाकों में येलो अलर्ट तो कई इलाकों में ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है शीतलहर को लेकर। कैमरामैन रोहित के साथ ऋतु रोहिणी, TV9। दिल्ली एनसीआर की हर छोटी बड़ी खबर जानने के लिए सब्सक्राइब करें अपना पसंदीदा चैनल TV9 दिल्ली एनसीआर। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर हमें सर्च करें @TV9 दिल्ली NCR पर।